अस्सलाम वालेकुम भाइयों और उनकी बहनों, और क्या हाल है। तो यार, इस कोरोना वायरस की वजह से ऑलमोस्ट लॉकडाउन को 2 महीने हो चुके हैं, और कराची से बाहर निकलने के बजाय अगर हम ऑफिस तक भी पहुंच जाएं तो बड़ी बात है। लेकिन अब बस हो चुकी है, कितना नेटफ्लिक्स एंड चिल करेंगे। तो रमज़ान के ऑलमोस्ट 20 दिन हो चुके हैं और अब जो है ना फ्रस्ट्रेशन होना शुरू हो गई है। तो ये तो नहीं पता कि कैसे करेंगे, लेकिन मैं, असद, काशान और मोहसिन भाई, हम लोग 4 जा रहे हैं रोड ट्रिप पर। फाइनल डेस्टिनेशन अभी डिसाइड नहीं हुई है, क्योंकि हमने सोचा है कि विद द फ्लो चलेंगे। कहाँ तक पहुँचते हैं, कैसे जाएंगे, ये कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। लेकिन अब बस निकलना है और ईद से पहले वापस आना है। मोस्ट ऑफ ये 7 दिन का एक क्विक रोड ट्रिप होगा। और भाई, इससे पहले कोई कुछ बोले तो मास्क, सैनिटाइज़र और सेफ्टी मेजर्स की जितनी सारी चीज़ें हैं ना, सब रख ली हैं और इसका खास ख्याल रखा जाएगा। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। निकल गए हम ऐसे ही बस, कोई ये नहीं, अस्सलाम वालेकुम, कुछ नहीं भाई। शुरू हो गया व्लॉग, आवाज़ तेज करिए। 4 दोस्त, 1 गाड़ी और नुसरत अलान की कवाली। हम कर बारिश जारी होके बेफिक्र, हम कर बारिश जारी होके बेफिक्र, हम कर बारिश जारी होके बेफिक्र, हम कर बारिश जारी होके बेफिक्र। तो भैया, आपके भाई ने सक्कर पे जाके गाड़ी रोकी और ऑलमोस्ट 7 घंटे में हम लोग सक्कर पहुंचे हैं। और अब सीट चेंज होगी, ड्राइवर चेंज होगा, क्योंकि मैं नींद में मर रहा हूँ, तो थोड़ा सा रेस्ट टाइम है। भाई सक्कर मोटरवे पर हैं, आगे जा रहे हैं और अभी हमारी बारी है गाड़ी की। जी हाँ, उसके बाद हमारी बारी आएगी और हम फिर पूरा इस्लामाबाद तक लेकर जाएंगे बाबा साईं। हमारा इस ट्रिप का रूल है कि रोजे पूरे रखने, रोजे नहीं छोड़ेगा, रोजे पूरे और नमाज पूरी टाइम पे होगी। बिल्कुल। पहली दफा ऐसा हुआ है मेरी पूरी लाइफ में कि मैंने पानी से रोजा नहीं खोला है, सिर्फ एक ये बिस्किट, क्योंकि हमें पूरे रास्ते में कोई पेट्रोल पंप या कोई रेस्टोरेंट नहीं मिला है। तो भैया, रात को अराउंड 1:30 बजे हम लोग इस्लामाबाद पहुंचे और इतना थक चुके थे ना कि सहरी करते ही टन हो गए। तकरीबन 18 घंटे हमें लगे इस्लामाबाद पहुंचने में, और ऑब्वियस रीज़न, क्योंकि रोज़ा है तो हम लोग लेट उठे हैं आज। सबसे मज़े की बात कि कहां जा रहे हैं ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। वी जस्ट हैव टू गेट बैक ऑन द रोड और फिर देखते हैं कि कहां जाते हैं। ये लगे हैं लड़के, हो गया भाई, जहाज तैयार है। ये हमारी बदनसीबी है कि हम जब उड़ाने की कोशिश करते हैं तो क्या हुआ। आहिस्ता आहिस्ता चलो। क्या चल रहा भाई? ड्रोन चल रहा। कहाँ गायब हुआ हम ख्वाब ये लिए बाहों में, हम साथ हैं में। बात यह है कि भाई, लॉकडाउन की वजह से जो सवात मोटरवे है ना, वो था बंद, तो उन्होंने मुतबादल रास्ता में दिया पुराना वाला सवात वाला रास्ता, उससे हम लोग जा रहे हैं। जज़ाकअल्लाह भाई, दे दें, लाए, शुक्रिया भाई, शुक्रिया। आप हमारे साथ नहीं टेर रहे? नहीं। और बराबर एक और दे, एक और दे दे भाई, इसको खजूर भी दे दो। खजूर दे दी भाई, ये एक कवर ले लो, आप मेहमान हो, सर अगर यहाँ टेर ना तो आ जाए। अरे मेहरबानी भाई, बराबर है, इधर टेर जाओ। अरे ये इसीलिए देखा, आई एम अचीवमेंट स्टार। सबर का फल मीठा होता है, बोलना तो नहीं है। क्या ये वहाँ दूसरा अफकार है ना, घर से बाहर गाड़ी में है। तो भैया, हम लोग कराची से तो निकल पड़े थे, लेकिन जाना कहाँ था, पहुँचना कहाँ था, ये हमने सोचा नहीं था। तो इस्लामाबाद पहुँच के हमें रियलाइज़ हुआ कि यार, टूरिज़्म तो बंद है
हंजस कर दूँ तो जा नहीं सकते, कश्मीर में एंट्री पॉसिबल नहीं है। तो फिर हमने सोचा कि ऐसी जगह जाया जाए जहाँ पर हमारा कोई पुराना लिंक हो या कोई पुराना जानने वाला हो। तो हमने एक बंदे को कॉल करी और हमने उससे पूछा कि यार क्या हम सवात आ सकते हैं। तो उसने बोला कि यार आप हमारे मेहमान हैं, आप जब आना चाहें हम आपकी खातिरदारी के लिए रेडी हैं। तो हमने गाड़ी इस्लामाबाद से सवात की तरफ मोड़ी और तकरीबन रात को 10 बजे हम लोग सवात पहुँचे। तो हम लोग थोड़ा आराम से आज भी उठे और आज हम लोग जा रहे हैं कलाम, क्योंकि सवात तो एक बहुत बड़ा शहर है लेकिन असल खूबसूरती जो है वो कलाम से शुरू होती है। अभी जो है हम निकले हैं कलाम के रास्ते में और कलाम के रास्ते में हम लोग बहरीन पे रुके हैं। तो कराची में फंसे मेरे दोस्त जो कि लॉकडाउन में निकल नहीं सकते और अपने घरों से निकलने से डरते हैं, उनके लिए ड्राइवर हैं फिदा नहीं जॉन जो है जॉन विल्सन उनका नाम है, वो कह रहा है कि कोई भी पूछे तो बोल ला फिदा का मेहमान है फाइंडिंग लाइफ अलोंग द वे मेलोडीज वी हैवंट प्लेड। सो इट्स डे 3 और आज हमारा प्लान है उशू फॉरेस्ट का। सुना है कि बहुत खूबसूरत है, तो कुछ अच्छी पिक्चर्स लेंगे और काशान भाई की एक वीडियो भी शूट करनी है। यार इसकी तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इससे खूबसूरत जो है ना स्टेडियम नहीं होगा दुनिया के अंदर। बस बच्चे मुझे खेलने दें क्रिकेट भाई, एक बॉल खेल ले दो। पत्थर देख रहे हैं, यहाँ के लोकल जिसको मेंढक पत्थर कहते हैं क्योंकि एक मेंढक की शक्ल में बैठा हुआ है। इसके बारे में और कुछ नहीं पता, बस बाकी व्यू जो है खूबसूरत है। देखिए भाई, हमने सुबह उठ के एक छोटा सा प्लान बनाया कि सवात और कलाम से बहुत दूर एक छोटा सा गांव है गबराल विलेज, वहां पे जाके कैंपिंग करते हैं। इफ्तार में खुद हम लोग कढ़ाई बनाएंगे। दिखने में मुश्किल लग रहा था लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है। भाई हमारे भाइयों ने कैंप भी रेडी कर दिया, वहां पे कढ़ाई की भी तैयारियां चल रही हैं, तो नेक्स्ट लेवल सीन होने वाला है। भले कढ़ाई अच्छी बने या ना बने, ट्राई करने के पैसे होते हैं।